नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी अपडेट में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं अपने नए मेहमानों से अनुरोध कर रहा हूँ, वहाँ नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, कृपया आप उसे दबा के ब्राउन कर दीजिएगा। और कल के लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना, और कल 9 से 10 के बीच में आपको इस चैनल पे फिर से आ जाना है। कल मैं एक न्यू वैकेंसी के बारे में बात करूंगा, तो आप आके उसे देख लीजिएगा, चाहे यूट्यूब का नोटिफिकेशन आए चाहे मत आए, बस आप आ जाइएगा। और ये बात मैं आपको हमेशा बताता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द वेन्यू ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर्स। सो चार ऑप्शन है, गुवाहाटी, पुणे, न्यू दिल्ली, लखनऊ। तो मेरे को आपको बताना है एग्जैक्ट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए देख लेते हैं आज की वैकेंसी क्या है। तो आज की वैकेंसी है आपका गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अंडर वैकेंसी आई है। तो इसके अंडर की वैकेंसी आपका है स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर क्लास 3 की आज की वैकेंसी है। तो देख लेते हैं कि मतलब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और तो मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से, अगर आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो उसके साथ ही साथ बता देता हूँ, अगर आप जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपकी फ़ी 100 रुपये हैं, और कोई भी अदर कैंडिडेट के लिए क्या है, कोई फी नहीं, सिर्फ जनरल ओबीसी के लिए सिर्फ 100 रुपये हैं। तो चलिए देख लेते हैं, जो भी यहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 82018 एंड 19 है, तो देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट 15/10/2018 से आपका स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डेट इसका रहेगा 30/10/2018, ठीक है। तो देखिए आपका एग्ज़ाम कब होगा, इसमें कितने स्टेज होंगे, कंबाइंड स्क्रीन टेस्ट जो होगा आपका 10 फरवरी 2019 को होगा, एंड उसका रिजल्ट आएगा आपका अप्रैल 2019 में, एंड उसका मेन रिटन एग्जामिनेशन जो होगा 8/6/2019 या 9/6/2019, 8/6/2019 और 9/6/2019 को होगा, और जो इसका रिजल्ट आएगा वो अगस्त के 2019 में आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं पोस्ट क्या है, जो आपका नेम आप पोस्ट है स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर क्लास 3। टोटल 200 आपकी पोस्ट आई है। अब एक कैटेगरी वाइज अपने आप वैकेंसी देख सकते हैं कितना कितना है, या जनरल के लिए 102 है। आप ये बस वैकेंसी आप देख लीजिएगा, ठीक है, कैटेगरी वाइज पोस्ट, इसे मैं नहीं बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। और उसके बाद देख लेते हैं फ़ी क्या रहेगी। फ़ी तो मैं बता दिया हूँ आपको, 100 रुपये रहेंगे जनरल ओबीसी के लिए, और अदर कैंडिडेट के लिए आपको कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। और यहाँ देखिए पे स्केल क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए अगर आपकी ज्वाइनिंग होने जा रही है तो 5 साल तक आपकी सैलरी रहेगी 38,090 रुपये, पे स्केल 38,090 फिक्स फॉर 5 ईयर, उसके बाद आपका इंक्रीमेंट होते जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही आप अपना पूरा ड्यूरेशन कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी सैलरी पहुंच जाएगी 1,26,000 तक पहुंच जाएगी, और इसके साथ आपको बहुत सारे अलाउंस भी मिलते रहेंगे, ठीक है। तो जब आप अलाउंस मिलते रहेंगे, और जब आपकी मतलब पूरा जो भी इनका टेन्योर है अगर ये कंप्लीट हो जाएगा, तो आपकी सैलरी 1,26,000 तक मैक्सिमम जाएगी, ठीक है। इसमें तो और देख लेते हैं, देखिए अगर यहाँ पे 5 साल का यहाँ पे देखिए रिलैक्सेशन मिलेगा, SC BC SC एंड ST मेल कैंडिडेट आप गुजरात और इनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, फीमेल कैंडिडेट आप अनरिजर्व कैटेगरी इन्हें भी आपका 5 साल तक रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है, और मैक्सिमम अप टू 45 साल तक। और यहाँ पे देख सकते हैं SC BC SC एंड ST फीमेल कैंडिडेट आप गुजरात ओरिजिन को यहाँ पे 10 ईयर इंक्लूडिंग 5 ईयर रिलैक्सेशन, एज ओमेन मैक्सिमम अप टू 45 ईयर, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दे रहा हूँ, अगर आपका आपको ये सिलेबस इनका डाउनलोड करना है तो आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट का मैं नोटिफिकेशन इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर इस एडवर्टाइजमेंट को आप पूरा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं पूरा डिटेल, तो आप यहाँ पे चले जाएंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है।
एक एक मिनट, मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ। हाँ, और एज लिमिट आपका होना चाहिए 20 से 35 साल के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। और जैसे कि और ये देखिएगा, अगर थिंक तो ये इंग्लिश और गुजराती गुजराती लैंग्वेज में मिक्स है, तो मेरे को यहाँ तो गुजराती नहीं आती, अगर जिसको गुजराती लैंग्वेज आती होगी वो यहाँ पे डाउनलोड करके ये देख लेगा, ठीक है। मैं इस नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर ये सिलेबस डाउनलोड करना है तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे सेंटर होगा ये लोग आपको, अगर आप अप्लाई करने जाएंगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा, आपके एडमिट कार्ड पे आ जाएगा। और नहीं तो ये अगर एग्ज़ाम गुजरात का ही है तो मोस्टली सेंटर आपका गुजरात में ही पड़ेगा, और स्टेट के और किसी स्टेट में नहीं पढ़ने वाला है, ठीक है। चलिए, तो शायद मैं सब कुछ बता दिया हूँ। और मैं एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर जब भी आप उसे अप्लाई करने जाएँ तो आप उसके पहले आप इसे एक बार ध्यान से अच्छे से पढ़ लें नोटिफिकेशन, ठीक है। अप्लाई करने से पहले ज़रूर पढ़ लें। तो चलिए ठीक है, तो सब कुछ शायद मैं बता दिया हूँ, कुछ बाकी है भी नहीं। और अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करना है तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट से आपको सिलेबस इनकी मिल जाएगी। तो चलिए ठीक है, तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं कल फिर से 9 से 10 के बीच में इसी चैनल पे। ओके, बाय, टेक केयर।